Hello students, let's see this question. Here we have, draw the graph of y is equals to x square plus 3x plus 2. हमें इसका graph draw करना है. हमें पता है ये quadratic polynomial है, तो इसका जो graph होगा, वो क्या होगा? Parabola होगा. हम क्या करेंगे? Coordinates find कर लेंगे, x की values को करेंगे, y की value find कर. जब हम x को minus 4 put करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ये 16, 12. इन तीनों को ऐड करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी मिल जाएगी 18 माइनस 2 माइनस 3 किया 9 हो गया प्लस 9 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 2 4 मिलेगा माइनस 6 4 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1 1 मिलेगा माइनस 3 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 x 0 बेसिकली x की हमने ये वैल्यूज को किया y की वैल्यूज मिल गई हमें तो हमें क्या मिला माइनस 4 कॉमा 6 प्लस 3 कॉमा 2 माइनस 2 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा 0 कॉमा डॉट कर देंगे ये हमारे पास आ गया x एक्सिस x डैश y एंड y डैश एक्सिस ओरिजिन आप कर लेते हैं माइनस प्लस 3 5 यहाँ पर 2 का गैप ले लेते हैं 2 6 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हमारे पास था माइनस 4 कॉमा 6 x माइनस 4 y 6 ये पॉइंट मिल जाएगा कॉमा 6 था माइनस 3 कॉमा 2 माइनस 2 कॉमा 0 दिस पॉइंट माइनस 1 कॉमा दिस पॉइंट फिर था x 0 टू 5 ये सारे पॉइंट मिल गए इनको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक पैराबोला जब हम बेटा इनको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट शेप मिलेगी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको शेप इस तरह से आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट शेप जब आप ग्राफ पे आप देख सकते हो माइनस टू कॉमा माइनस वन यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारे यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू